भुनभुनाते हुए कीड़े मकोड़े जब काटते हैं या खाने में गिर जाते हैं तो कितना गुस्सा आता है ना। लेकिन इन्हें मारने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि दुनिया भर में मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों की आबादी तेजी से कम हो रही है। ये कीड़े मकोड़े फूड प्रोडक्शन और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इकोसिस्टम का मतलब है वो सिस्टम जिसके तहत जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया समेत तमाम जानदार एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर हम दुनिया से तमाम कीड़े मकोड़े ही निकाल देंगे तो दरअसल हम खुद भी मर जाएं। कीड़े मकोड़े बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को तोड़ते हैं जिससे इनके गलने, सड़ने और डीकम्पोजिशन में तेजी आती है। इस तरह मट्टी भी रिफ्रेश रहती है। जरा सोचें, अगर हमारे पास वेस्ट को खत्म करने के लिए कीड़े मकोड़े ही नहीं होंगे तो माहौल कैसा हो जाएगा? कीड़े मकोड़ों के बगैर तो हम फजले और मरे हुए जानवरों के तालाब में ही तैर रहे होंगे। ये कीड़े मकोड़े परिंदों, चमगादड़ों और दूध पिलाने वाले छोटे जानवरों तक को भी खुराक देते हैं। तकरीबन 60% जानवरों की जिंदगियां कीड़े मकोड़ों पर ही डिपेंड करती हैं। इसलिए परिंदों, चमगादड़ों, मेंढकों और ताज़ा पानी की मछलियों की स्पीशीज भी गायब हो रही है। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में दोबारा शामिल होने का प्रोसेस बड़ी हद तक ऐसे कीड़े मकोड़ों पर डिपेंड करता है जो जमीन के अंदर और पानी में रहते हैं। तो दूसरे जानदारों के लिए खुराक का एक कीमती जरिया और इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद होने के अलावा कीड़े मकोड़ों का एक और भी बहुत अहम काम है जो गिज़ा पैदा करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये काम है पॉलिनेशन का। क्या आप जानते हैं कीड़े मकोड़े इंसानों को पॉलिनेशन जैसी सर्विस तो फ्री में ही दे देते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को $350 अरब का फायदा होता है। फूलों वाले ज्यादातर पौधे और हमारी फसलों का 75% पौधों के लिए कीड़े मकोड़ों के जरिए होने वाली पॉलिनेशन की जरूरत होती है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें कीड़े मकोड़ों के जरिए पौधों के बीच एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं और नए फूल वजूद में आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम कीड़े मकोड़ों की अहमियत से पूरी तरह अवेयर नहीं है। फॉर एग्जांपल, चॉकलेट का पौधा जिसकी प्रोडक्शन बढ़ाने में 17 स्पीशीज के कीड़े मकोड़े अपना रोल अदा करते हैं, इनमें तकरीबन 15 स्पीशीज के काटने वाले कीड़े, बहुत छोटी चूंटियां और माउथ शामिल है। लेकिन कई मुल्कों में शहद की जंगली मक्खियों समेत कई स्पीशीज के कीड़ों की तादाद तेजी से कम हो रही है। कीड़े मकोड़ों की कई मशहूर स्पीशीज जैसे मोरनाक तितलियों की तादाद भी बहुत कम हो रही है। ये तितलियाँ जंगली फूलों की ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, लेकिन अभी भी हम इस मसले को मानने के लिए तैयार नहीं है, और ख़तरा ये है कि कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए। कीड़े मकोड़ों की दुनिया इतनी बड़ी है कि फिलहाल हमारी समझ से भी बाहर है। जी हाँ, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया भर के कीड़े मकोड़ों का टोटल वेट इंसानों के टोटल वेट से 17 गुना ज़्यादा है, और रिसर्चर्स के दरमियान कीड़े मकोड़ों की स्पीशीज की एग्जैक्ट नंबर पर भी कोई इत्तफाक़ी राय नहीं है। अंदाजे के मुताबिक ये 2 से 30 मिलियन तक हो सकती है। कीड़े मकोड़ों की बड़ी तादाद और इनका डाइवर्सिटी भी इन्हें एक्सटिंक्शन के खतरे से नहीं बचा पा रहा। यहाँ तक कि ऐसे कीड़े भी ख़त्म हो रहे हैं जिन्हें अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया जा सका। 1930 और 1940 में डिस्कवर होने वाले कई कीड़ों के एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सका। दरअसल इनके इलाके बहुत अरसे पहले ही तबाह किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ जर्मनी, यूके, पोर्टो रिको में कीड़े मकोड़ों की तादाद हर साल 2.5% कम हो रही है। इन तीनों मुल्कों में पिछले 30 सालों से कीड़े मकोड़ों की तादाद को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। तो जर्मनी में पिछले 30 सालों में उड़ने वाले कीड़ों की तादाद में 75% कमी आई है। ये कमी उन 60 इलाकों में से देखने में आई जहां कीड़ों पर रिसर्च की जा रही थी। पोर्टो रिको में भी डिस्कवर किया कि वहां पिछले 40 सालों में कीड़ों की तादाद में 98% कमी आई है। इस सिचुएशन का मतलब है कई स्पीशीज का मुकम्मल खात्मा। तो अगर करंट सिचुएशन को चेंज ना किया गया तो एक सदी के अंदर अंदर कीड़ों की मुख्तलिफ स्पीशीज की एक बहुत बड़ी तादाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो फिर कीड़ों का असल कातिल आखिर है कौन? कीड़े मकोड़े जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ लार्ज स्केल पर होने वाली फार्मिंग को इनकी तादाद में कमी की एक बड़ी वजह समझा जाता है। इसके अलावा कीड़े मार पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल और ग्लोबल टेम्परेचर जैसे रीजंस भी कीड़े मकोड़ों की तादाद में कमी की वजह बन रही है। अब बैड न्यूज़ ये है कि कॉकरोचेस जैसे कीड़े एक्सटिंक्शन के शिकार कीड़ों की जगह ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर ड्रग्स के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर लिए।
गर्म माहौल की वजह से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कीड़ों की आबादी में खूब इजाफा होगा, क्योंकि इनके ऐसे तमाम दुश्मन जिनके बच्चे पैदा करने की रफ्तार कम होती है वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो पॉसिबल है कि हमें हर तरफ कुछ मखसूस कीड़े बाबा की तरह नज़र आएंगे और वो खूबसूरत और शानदार कीड़े मकोड़े जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहें, मसलन शहद की मक्खियाँ और तितलियाँ वगैरह, सब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अभी भी वक्त है और इनको बचाया जा सकता है। ऐसे इलाके रीस्टोर किए जाएं जहां दूर दूर तक दरख्त, पौधे और फूलों, बाजारों से ख़तरनाक किस्म के कीड़े मार ड्रग्स को ख़त्म कर दिया जाए और कार्बन में भी कमी की जाए, और अगर लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएं तो इससे भी कीड़े मकोड़ों की किस्मत बदल जाएगी। इसी तरह फार्मर्स को भी अगर इनकरेज किया जाए कि वो अपने खेतों में कीड़े मार ड्रग्स को कम इस्तेमाल करें तो इन्वायरमेंट में इन जहरीली ड्रग्स का असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।